नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है और तैयारियां भी शुरू हो गई है, और ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है उसके मुताबिक जो तीसरा लहर होगा वो बच्चों और किशोरों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। और आपको बताएं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका उपाय देखा जा रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं देश के, जो इन दो लहरों का जिन्होंने मुआयना किया, उनके मुताबिक कि तीसरा लहर बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होगा। उन्होंने अपने जो सर्वे हैं, तर्क हैं और जो ये पूरा इलाज चला उसको देखकर, सीक्वेंस को देखकर उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला है थर्ड वेव अगर आता है तो। लेकिन इन सब के बीच में वैक्सीनेशन के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। फाइजर जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने कहा है कि जो इंडिया में जो वेरिएंट था कोरोना का, उसमें उसके वैक्सीन जो हैं 12 साल से अधिक उम्र वाले के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और भारत सरकार को तुरंत इसके लिए जो कागजी प्रक्रिया है वो शुरू करनी चाहिए, अपने ऑर्डर देने चाहिए। अगर ये काम जल्द से जल्द शुरू होता है तो जुलाई से अक्टूबर तक वो 5 करोड़ डोज भारत को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो WHO के जो प्रोसेस हैं भारत के लिए, वो भी उन्हें करना पड़ेगा। और फाइजर और अमेरिकी कंपनियां ये भी प्रयास में लगी हुई हैं कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उन्हें हर्जाना भी ना भरना पड़े, वैसे भी उपबंध में उनको छूट मिले, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि भारतीय परिवेश में और भारतीय जो यहाँ पर कोरोना है, अगर यहाँ पर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो उन्हें बहुत बड़ी राशि जो है हर्जाने के रूप में देनी होगी। तो ये वो भारत सरकार को मनाने के पूरी तरह लगे हुए हैं कि उन्हें भारत में वैक्सीन लाने का अनुमति दिया जाए, साथ साथ हर्जाना अगर कोई भी गंभीर समस्या उत्पन्न होता है तो न देना पड़े। आपको हम बताएं कि भारत ने भी 2 से लेकर 18 साल के उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन का ही पिछले महीने ट्रायल शुरू किया, 2 से 18 साल के वालों बच्चों और किशोरों के लिए, और उसके अभी परिणाम नहीं आए हैं। लेकिन बता दें आपको कि फाइजर जो एडल्ट के लिए है, उसके लिए डोज के लिए हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं, और मॉडर्ना और फाइजर और जॉनसन, ये सारी कंपनियां जो हैं वो अभी टीका देने में अपने आप को असमर्थ बता रही हैं। कारण है कि वो ऑलरेडी पूरे दुनिया से इतना ज़्यादा ऑर्डर ले चुके हैं कि उन्हें भारत को देने के लिए, या भारत इतने बड़े जनसंख्या वाले देश के आपूर्ति के लिए वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन 12 साल प्लस वालों का, लेकिन इसमें एक जो कुछ राजनीतिक और विदेशी जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है, विदेशी मामलों के एक्सपर्ट, कि देखिए कि फाइजर और मॉडर्ना ने काफ़ी प्रयास किया था भारत में वैक्सीन जो बन रहा था कोवैक्सीन और कोविशील्ड से पहले भारत को वैक्सीन देने का, और फाइजर ने बहुत सारे ऑफर भी दिए थे, लेकिन भारत सरकार ने इन सबको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीन डेवलप किया, उसके बाद स्पुतनिक वी को लाया। और ऐसे में ये कंपनियां ये समझ रही हैं कि अगर भारत इनसे वैक्सीन खरीदेगा भी तो काफ़ी कम मात्रा में खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने 2 वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, 1 वैक्सीन जो है वो उत्पादन कर रही है विदेशी, और 2-3 जो हैं वो पाइपलाइन में है भारत के, तो इसमें उनकी मौजूदगी ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा जो फील्ड है, मार्केट है, वो बच्चों और किशोरों के क्षेत्र में है, क्योंकि भारत की एकमात्र कंपनी ही उस पर अभी ट्रायल कर रही है कोवैक्सीन वो है, और वो जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों और किशोरों को देने में ये जो कंपनी है उतना उत्पादन करने में असक्षम रहेंगी, और यही कारण है कि फाइजर जैसी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं कि 12 साल से अधिक उम्र वालों के लिए हम जो हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं, और हमारे जो वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं जो तथाकथित इंडियन वेरियंट है उसको लेकर। तो अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार जो है, हालांकि विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं अमेरिका, और वो 18 प्लस ज़्यादा प्रयास जो है उनका, 18 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं, जनसंख्या है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोज प्राप्त करना। लेकिन फाइजर ने पेशकश की है 12 से 18 साल के उम्र वालों किशोरों के लिए। अब देखने वाली बात है कि
केजरीवाल भी जो हैं वो लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत सरकार जो है बच्चों के लिए जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए ऑर्डर करे, जल्द से जल्द मंगाए जो है वैक्सीन और उसको जो है यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ दिया जाए, टीकाकरण शुरू किया जाए। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि फाइजर ने यह भी कहा है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक हमारे वैक्सीन को यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सकता है। जबकि आपको बताएं कि जो ये बच्चों के लिए है, जो एडल्ट के लिए जो है उसके बारे में कहा जाता है कि -20 से लेकर -70 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए जो वैक्सीन है उनके, जो कि भारत में कुछ शहरों में छोड़कर ये सभी जगह संभव नहीं है। तो फाइजर ने अपने वैक्सीन का स्वरूप भी बदला है जो 12+ अधिक उम्र वाले के जो किशोरों के लिए है। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार क्या इस पर आगे कदम बढ़ाती है या फिर बच्चों और किशोरों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन पर ही ज़्यादा निर्भर रहने का प्रयास करती है। लेकिन दबाव बनना शुरू हो गया है और देश में एक माहौल बनाया गया है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन अभी तक वैसे कुछ भी जो उसके ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, इवन कि डॉक्टरों और एक्सपर्टों के द्वारा ये संभावनाएं भी काट दी गई है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो अभी तक दिखाई दिया है उसमें बच्चे कम प्रभावित हुए हैं, हुए भी हैं तो उन पर हल्के लक्षण हैं जो कि कितनों में पता भी नहीं चला। लेकिन मैं हमेशा एक बात का चर्चा करता हूँ कि अभी भय बेचने का खेल चल रहा है और भय बेचने में बाहरी और भीतरी सभी शक्तियाँ जो हैं लगी हुई हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार भी इस भय के सामने जो है, भय के माहौल के सामने घुटने टेकती है या फिर निर्भीकता से इसका मुकाबला करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।